ओ वेरी नाइस दिखा दो अरे हो गया जरा सॉरी देखो तुम स्नोमैन कैसे बनते हैं? छह स्नोमैन बने हुए हैं, तीन काले तीन सफेद। तो हेलो यार, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं, थंबनेल टाइटल देख लिया होगा, बर्फ के पहाड़ों पे। अभी भी सुबह के बज रहे हैं 7, वेदर देख सकते हो फॉग हुई हुई है। तो रेडी वेडी हो गए हैं सुबह 7 बजे। अहमद ने कपड़े वगैरह पकड़ लिए, 2 शूज़ भी रख लिए हैं, थोड़ा खाना वगैरह भी रख लिया है। तो चले यार, मुदस्सिर आ गया नीचे। मुदस्सिर, आकिफ, मैं, अहमद और मलाची जा रहे हैं, जो पिछली दफ़ा भी था ना, कीवी लड़का। हम 4-5 जा रहे हैं, पूरी जिंदगी पहली दफ़ा जा रहे हैं हम स्नो देखने। कुछ पूछा, स्नो माउंटेन्स होंगे, स्नो मैन सही वाला मज़ा आएगा, फिर हम मारेंगे जरा। तो यार अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है, बहुत ही फोगी हुआ है आज, पता नहीं क्या हुआ है। अभी हम रुके हैं एक शॉप पे, लाची का वो प्लान कैंसिल हो चुका था, तो हम जा रही हैं इस वक्त, तो जा रहे हैं आकिफ, मैं, अहमद और मुदस्सिर। तो यार 2 घंटे बाद हम फाइनली रुके हैं और आपको सीधा व्यू दिखाते हैं, क्या लेवल की जगह पे रुके हैं। तो बादल लेवल है, बादल है, बादलों के ऊपर है पहाड़, नीचे बादल है। यार इधर खाना वीना रखा हुआ था, तो इधर सैंडविच है, सैंडविच निकालो, इधर भी डालो सॉस, इधर भी डालो सॉस, मैं खा लूंगा पहले। आकिफ में भी डालो। लेवल है यार, इस पोर्ट पे आ जाओ, अपना लेके चलते हैं सैंडविच इधर। क्या बात है, इतने लेवल के व्यू के साथ अब खाएंगे मैं सैंडविच। तो यार किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इधर सारे सैंडविच वगैरह खाए। तो यार क्या ही बात है, बहुत ही लेवल का व्यू आ रहा है इधर से। अरे कहना क्या चाहते हो, सारे नीचे हैं, मैं अभी ऊपर आया हूँ, जगह बनी थी, देखने जैसे बादल ही सारे बादल हैं। अभी हम थोड़ा सा न्यूजीलैंड घूमे हैं और मुझे अब समझ आ रहा है न्यूजीलैंड दुनिया की टॉप खूबसूरत कंट्रीज में क्यों आती है, अब मुझे समझ आ रही है। इतनी खुशी, अभी तो हम ज्यादा घूमे भी नहीं, थोड़ा बहुत ही घूमे और पता फील हो रहा है कि अच्छा जीतते हो जाए। और अभी तो जहाँ हम जा रहे हैं स्नो वाली जगह में, उधर तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अभी तो ये कुछ नहीं, अभी और आएगा, अभी कर लिया, अब ड्राइविंग करेगा एम आकिफ शायद, तो मैं तो पीछे ही बैठूंगा, मेरा लर्नर्स नहीं आया, वो आ जाएगा जल्दी, उसकी भी बताऊंगा मैं जल्दी कब आएगा। गाड़ी चलाने की तो छोड़ो मुझे, देखो टेंशन ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है, है कि नहीं। तो यार अब ये हुआ है 90 किलोमीटर आ गया, तो सीट चेंज कर रहे हैं, मैं आगे बैठ जाता हूँ क्योंकि पहाड़ी बर्फ वाला का मैं देखना जा रहा हूँ आगे से, और मुदस्सिर आकिफ स्वाप कर रहे हैं, आकिफ आ जाएगा अभी आगे। तो इधर दोनों बड़े खिलाड़ी पीछे और आकिफ आ गया, अब ड्राइविंग आकिफ की ड्राइविंग लेवल होता है। आकिफ और आकिफ ये गंदे गाने लगा रहा है यार, गंदे गाने लगे हैं, आकिफ पंजाबी गाना लगा, कसम से चंडे पड़े, तुम्हें पकड़ा रहा लगा देना कोई। देख सकते हो फोग बहुत ज़्यादा हो रही है, पहली दफ़ा ऐसा मैं देख रहा हूँ कि फोग ही फोग, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं मलेशिया, वहाँ तो होती नहीं थी सर्दी, और जिंदगी में पहली दफ़ा हम जा रहे हैं बर्फ देख रहे हैं पहाड़ वगैरह। तो यार मैं भी रुका हूँ टॉयलेट ब्रेक के लिए रोड स्टेशन पे, टॉयलेट में आप देख सकते हो पानी लाने के लिए गेयर, गाड़ी चलाते जा रहे बना गेयर डालना पड़ता है, पानी आ जाता है छोटा गेयर, समझ रहे हो। तो यार अब रह गया शायद 40-50 किलोमीटर का सफर। तो यार पीछे आप देख सकते हो व्यू आ रहा है, पहाड़ बड़े वाले स्टार्ट हो चुके हैं, इधर सर्दी भी भर चुकी है, और लेवल रोड चेक कर सकते हो, ओए बर्फ मिलना शुरू हो गई, ये ही बर्फ है, मान एक दूसरे को मारते हैं।
तो यार सीन बन गया है, लोकेशन ना शायद इनसे गलत लग गई है, हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। और यार देख सकते हो पहली दफा मैं पूरी जिंदगी में बर्फ को टच करने लगा, मेरे से सबर नहीं हुआ, पहाड़ पे हमने जाना ही है। पर ओ तेरी थोड़ी भीड़ से है, क्या अदर लेवल है। ठंड नहीं है वैसे इतनी, मुझे लगा बहुत सख्त ठंड होगी, पर ज्यादा ठंड नहीं है, वो पहाड़ है, पहाड़ों में जाना था, पता नहीं कहाँ लेके आ गया हमें। तो कह रहे हैं हम शायद गलत आ गए हैं, तो अब जाएं शायद पीछे से वापस घूम के उस पहाड़ में जाना शायद। जब हवा लगती है तब फील होता है ठंड है, वैसे बहुत सख्त वाली ठंड है। ब्यूटीफुल। तो यार फाइनली उधर पहुंच चुके हैं हम, बर्फ वगैरह देख सकते हो इधर है, गाड़ी हमने इधर पार्क कर दी। जो माउंटेन था माउंटेन के ऊपर हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते, पार्किंग अंदर फुल थी। तो अब कपड़े वड़े पहन लेते हैं थोड़े मोटे, क्योंकि सबने इधर जैकेट्स वगैरह पहनी हुई हैं और मोटे कपड़े। तो यार इधर हमने गेटअप वगैरह कर लिया, एक ग्लव में एक ने ग्लव नहीं पहना क्योंकि टच करनी होती है। ओ चोर चोर आ गए, अबे पहले सॉरी अब दस रुपए का देख सकते हो पूरी जैकेट वैकेट बन गई। अहमद ने भी दो जैकेट्स पहन ली, ऊपर मैंने एक ही पहनी हुई है, मैं ठंड से डरता नहीं हूँ, अभी डर रहे हैं पागल, ठंड है ठंड है ठंड है। आगे खाना उठा के ला रहा है, ओए नहीं तो यार हमारे साथ सीन ये हुआ है कि ऊपर जाना था, गाड़ी तो लेके जा नहीं सकते थे अभी, ऊपर पार्किंग फुल थी। उन्होंने कहा कि हम वॉकिंग वॉक करके भी नहीं जा सकते क्योंकि वॉकिंग ट्रैक वगैरह कुछ भी नहीं है, 6 किलोमीटर रास्ता है, इसलिए हम ऊपर चल के भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने फिर कहा है 1-2 घंटे के बाद जाके ना खुलेगा सारा रास्ता, गाड़ियां तब जा सकेंगी ऊपर। इधर हमने आलू चाट डाली है, ओए चाट आलू है, वो केक भी है यार, आखिर ट्राई नहीं किया यार तुम्हारे लिए, मैंने बनवाया था केक। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आकिब कुछ कह रहा है आपने सॉस बहुत कम डाली है, ये बोल रहा है सॉस भी बचाते हैं। आंटी थैंक यू सो मच, सॉस आपने टेस्ट करने के जरिए अम्मी आपने सॉस कम भेज दिया, वो देख लो उससे कह रहे हैं। मैं खुश हूँ। खुश हो नहीं दूसरी गुस्सा कर चक्कर से तो पूरा वीआईपी बंदोबस्त करके आए हमारे में, तेरे बाप को मत सिखा। तो यार फाइनली बहुत ही खजल खराबी के बाद 2 घंटे वेट करने के बाद, इतनी लंबा रोड चढ़ने के बाद, ट्रैफिक में बहुत आवाम आई हुई है, फाइनली हम पहुंच ही गए बर्फ के पहाड़ों पे। ये आप देख सकते हैं इधर बर्फ ही बर्फ, बहुत रश था यार, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली आके इधर, बड़ी मुश्किल से आपकी सोच है। और मैं बता दूं यहां पे ठंड नहीं है इतनी। ओए ठंड नहीं है, कहां ठंड, अभी नहीं है, धूप निकल आई है, कहां से ठंड, मर जाएंगे सारे। और नीचे वो यार ये चेक कर सकते हो, चेयर लिफ्ट चल रही है और स्कीइंग भी कर रहे हैं पीछे लोग। तो यार मेरा हेलीकॉप्टर इधर पता नहीं क्या कर रहा है, मैंने घर का था पार करने को या इधर ही ले आया, मैंने इनको मना किया था। आखिर यार जुला हम घर हेलीकॉप्टर से जाएंगे वापस। चलो आज घर हेलीकॉप्टर में चलते हैं, आज चलो यार चलें आज। ओ ओ ओ पायलट सफाई सफाई हो रही है, सफाई हो रही है, वो कह रहे हैं सफाई हो रही है, इसलिए क्या हमें कह रहे हैं इधर से जाओ। तो यार बहुत ही ठंडा फ्रेश सांस आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जब हम मलेशिया में होते थे ना तो हमारा ख्वाब होता था यार कि न्यूजीलैंड आके बर्फ में ऐसे घूमेंगे फिरेंगे खेलेंगे बर्फ के साथ। यार अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब पूरा, यार क्या मज़ा आ रहा है, बहुत ही लेवल की ऑक्सीजन हवा चल रही है। उधर वो हेलीकॉप्टर का शोर बहुत हो रहा है, हम कुछ जगह ढूंढ रहे हैं अच्छी सी जब हम थोड़ा मस्ती कर सकें। तो यार ये जो चेयर लिफ्ट्स हैं ये सिर्फ उनके लिए हैं जो स्कीइंग कर रहे हैं, स्कीइंग के लिए उधर से बैठ के ऊपर जाते हैं, वो ऊपर से फिर झूला लेके आते हैं इधर नीचे, फिर से बैठ के चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। तो हमारे पास वो स्कीइंग वाला सिस्टम नहीं है तो हम नहीं जा सकते ऊपर। तो यार अहमद ने इधर सीधा सीधा चैलेंज ले लिया है, अहमद ये पूरी बर्फ खा के दिखाएगा। 1, 2, 3 ओ तेरी, ओए खाने के बजाय खिलाया गया किसी को। ओ ओ चलो इधर से नीचे कौन जाएगा पहले। ओ वेरी नाइस, इसको दिखा दो, अरे हो गया, ओ स्लाइड लेके जाते हैं मैं, स्लाइड 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 पीछे जाते हैं, चल चल जा इधर। यार इधर आप देख सकते हो ख्वाब पूरे होते हुए जो हम चाहते थे। ओ तेरी, इधर से स्लाइड लिया है, मजा आया यार स्लाइड का, मजा आया। वो आगे स्नोमैन भी बने हुए हैं, बर्फ ही बर्फ हर जगह। तो यार आज मैं आपको दिखाता हूँ स्नोमैन कैसे बनते हैं। इधर हमने देखा 6 स्नोमैन बने हुए हैं, 3 काले 3 सफेद। क्या प्यारे स्नोमैन यार, मानते हैं थोड़ा जूम करके दिखा देते। कितने प्यारे स्नोमैन है यार ये सारे, इनको तोड़ते हैं। ओए स्नोमैन तोड़ गया, मर्डर मर्डर चार्ज।
मर्डर कर दिया? नहीं। तुम्हें मार दिया? ओ तोड़ गया उसका भी कातिल। ओ तेरी कातिलान कातिल लोग। तो यार हम इस जगह पे आए, एक मेन रीजन था हमारा, हमने करनी थी एक्सरसाइज। ये आप इधर देख सकते हो, इन दिनों तो स्टार्ट भी कर दिया, बर्फ में हमारा ख्वाब था करने का एक्सरसाइज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। तो ये तीनों तो इधर कर रहे हैं अपनी अपनी एक्सरसाइज। चलो जी आ रहा हूँ। ओए 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 तेरे पे टैलेंट है। ओ ओ ओ क्या ओ मेरा किन लगी अहमद आया। व्यू चेक करो, व्यू व्यू चेक करो यार व्यू। ओए बस कर दे व्यू उधर दिखा। व्यू उधर है गाइस, मैंने स्नोमैन बनाया आज आपको दिखाएं। स्नोमैन बनाया गाइस, मेरा स्नोमैन ये मैंने बड़ी मुश्किलों से बनाया है। वाओ असद गिर गया। असद मर रहा है, असद मर गया। बच गया आगे बड़ा। तो यार बड़ा एंजॉय किया, खेला कूदा यार। ख्वाब था कि मतलब बर्फ में किस दिन खेलना है, वो ख्वाब पूरा हो गया। बड़ा अच्छा फील हो रहा है यार। ऊपर से जगह भी जो हमें मिली ना, बिल्कुल जैसे इमेजिन किया हुआ था, उससे बहुत डबल ट्रिपल मजे की हमें जगह मिली यार। बहुत मजे की, स्नोमैन तोड़ दिए, स्लाइड ली, जो स्नो फाइट किए ना, ओए होए। और प्रैंक हो गया ऐसे सर, ऐसे शेक करो। ओह और तस्वीरें वगैरह ले रही हैं, बड़ी लेवल लेवल की तस्वीरें आई यार, बहुत प्यारा सूरज की रोशनी और पीछे वाइट बैकग्राउंड, लेवल की तस्वीरें देख लेना। सारे प्रोफाइल लगाएंगे लगाएंगे वाइट कलर की पीछे। तो यार जब हम आने लगे थे इधर, मुझे हमें लगा बहुत ही सख्त ठंड होगी। मैंने तो दो कपड़े रखे अलग से, एक ट्राउजर, एक अलग से शूज, सॉक्स, ग्लव्स, टोपी भी रखी, जैकेट भी मैंने अलग से रखी, पर ठंड बिल्कुल भी नहीं है। इधर देखो मुदस्सिर ने भी अपनी जैकेट उतार दिया है, आकिफ ने भी अपनी हुडी उतार के तो रख दी है, क्योंकि ठंड बिल्कुल नहीं है। पिक्चर देखनी है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो मुझे, मैं थोड़ी वो अपलोड करता रहता हूँ। सही है यार, अब हम पिक्चर्स वगैरह लेवल की ली, मैंने उतार ली क्योंकि ठंड बिल्कुल भी नहीं है। ओए इसको पप्पी दे रहे हो। तो अभी चलते हैं ऊपर। ओए ऊपर हाइकिंग शुरू हो गई कसम से, लेवल का खतरनाक खिलाड़ी। माउंट एवरेस्ट चल रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पहुंच गए गाइस, आसमान की ऊंचाइयों में। चेक कर सकते हो यार, बहुत ही प्यारा है। न्यूजीलैंड जिंदाबाद। अबे सबर तो करो ए। यार अब बच चुके हैं शाम के कोई 4:30, 4, अब ठंड बढ़ना शुरू हुई है। दो सूरज जा रहा है नीचे आस्ता आस्ता, पर यार सूरज ने बहुत सांस दिया कसम से। शुरू में अभी देखो मैं जैकेट उतार दी अपनी, ठंड नहीं है इतनी, और रेड में अच्छा लग रहा था, तो मैंने शर्ट तस्वीर वगैरह ली थोड़ी। और अभी ऊपर चढ़े थे पर डर गए तीनों, कहते पता नहीं क्या है, सुराख है पता नहीं क्या। अब नीचे आ गए सारे। यार जो हमने इधर पिक्चर्स लिए ना मुदस्सिर के कैमरे से, क्या बात है, ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल पिक्चर्स लिए हैं। वो देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, उधर मैं स्टोरी वगैरह इनको टैग वैग किया होगा, इनके भी होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स आई हैं अगर देखना चाहते हो उधर। अब वो खतरनाक काम फिर से नीचे उतरने का यार, और ये बहुत ही स्टीप है, यहाँ पर ध्यान से उतरना पड़ेगा। मैं तो नहीं गिरूंगा क्योंकि मुझे ना टेक्निक में बचपन में बहुत ट्रेन हुआ हूँ, मेरे अबू निंजा थे। ओ गया अहमद पहला शिकार हुआ। तो यार चढ़ के बहुत मुश्किल से गिरा भी हूँ मैं एक दफा, सारी निंजा टेक्निक्स मेरी निकल गई। ओ नो तो यार ये देख सकते हो हम जा रहे थे, किसने स्नोमैन बनाया हुआ कितना प्यारा, ये देखो, और उसके पीछे भी बनाया हुआ था। और ये देखो एक और दो तीन और प्यारे स्नोमैन आ रहे हैं। तो यार अभी मेरे साथ हो गया बहुत ही बड़ा सीन। हुआ क्या, हम उधर से आ रहे थे ऊपर, तो मेरे से मेरा आईफोन गिर गया जिसे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स। और मेरा भी नहीं, अम्मी का, मेरी ऊपर से बुरी हालत हो गई कसम से। तो मैं इधर उधर जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है कहाँ रास्ता, हम आए कहाँ से थे, मैं गलत ही क्या होता। फिर मैं ढूंढ ढूंढ के नहीं मुझे मिला, पूछा भी था मैंने एक दो लोगों से, फिर वापस आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं वापस गाड़ी कहाँ है अब कसम से। मैं ये क्या फोन के साथ साथ मैं भी घुमा अब। तो फिर अचानक ही आखिर सामने आया, तो मैंने कहा शुक्र है चलो गाड़ी तो मिल जाएगी, फोन पता नहीं क्या करेंगे, अब देखते हैं कुट पड़ेगी क्या होगा घर में। तो फिर आकिफ ने एक फोन दिखाया मुझे, मैं क्या वो कसम से जो सुकून मिला ना फोन मिलने के बाद, और बहुत इंजॉय किया कसम से। मैंने जैसे बताया हमारा ड्रीम था कि मतलब न्यूजीलैंड आएंगे, स्नो वाली जगह होगी, बड़े मजे करेंगे, वो एक किस्म का ड्रीम कम्प्लीट हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आया।
और मैं कल बड़ा एक्साइटेड भी था इधर आने के लिए, और आज जाते वक्त सीन भी हो गया, फोन घूम गया यार मैं बड़ा। अब सीन ये, अब हम निकल रहे हैं आखिरी दफा, थोड़ा देख रहे हैं उधर उधर, तो सारे जिनके सॉक्स वगैरह गीली होती, शूज गीले हो गए, चेंज कर रहे हैं। मेरे शूज भी नहीं गीले हुए, सॉक्स भी सही है, और मैं खुद भी गीला नहीं हुआ बिल्कुल भी। स्टंट बड़े किए हैं पर गीला नहीं हुआ। तो यार अब 4 घंटे का सफर है, रास्ते में पेट्रोल भी भरवाना है और थोड़ा नीचे जाके खाना पीना करेंगे, 10 किलोमीटर भी नीचे जाना है। और यार आखिरी दफा व्यू देख लो, बहुत इंजॉय किया यार, इंशाल्लाह जल्द इधर फिर आएंगे जरूर, और अगली दफा फोन नहीं कमाऊंगा, बड़ा ध्यान रखेंगे। अरे ट्राउजर पकड़ा यार, मैं दोबारा फेंकूंगा। सॉरी सर, अच्छा कहाँ है ट्राउजर, कहाँ है ट्राउजर, दे गंदा ट्राउजर इसका, एक ही पहन के आया था काला सा, अपने मुंह जैसा काला ट्राउजर, अंदर पहन के करो, कहाँ करूँ इधर नंगे खड़े हो गए, थोड़ा ना करना। यार ये देख सकते हो, हम अभी बर्फ की पहाड़ पे हैं और सामने डार्क है, सारा जंगल ही है, जो इस वक्त डार्क पता नहीं क्यों हुआ है। तो यार अभी एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, पेट्रोल थोड़ा कम हो गया था, इधर से भराते हैं पेट्रोल, मैंने टॉयलेट भी जाना था और थोड़ा स्नैक्स वगैरह पकड़ते हैं इधर से। तो यार इधर से थोड़े बहुत स्नैक्स ले लेते हैं, 3 घंटे का सफर है, थोड़ी बहुत भूख भी लगी है क्योंकि हमने आग की खाना खत्म कर दिया था। तो यार इधर हमने एक पेट्रोल पंप के पास रुका है, हम करेंगे थोड़ा स्नैक्स स्नैक, सही है समझ रहे हो, एक ये है और चुप कर जा चिपके लिए के मुंह वाले पर एक कोक ले ले तेरी, अल्लाह मार के मर रहा है ऐसा डेंड के मुंह वाला, ये भूख लग गई। ओए डेंड ये खूबसूरती है बड़ी, डेंड टूथपेस्ट कोली कर अपनी ऐसा, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रही, चल फिर अच्छी बात, मैं शेयर करूंगा सबके साथ थोड़ी, और कोई नहीं हैवी, अबे उधर डाल लो, खैरात में दे रहा है क्या, खैरात में दे रहा है मेरे को तू काले, ओ तेरी मैं ना थूक फेंक दे रही है, थूक फेंक देनी है, उतर के देख उतर के। तो यार चिप्स वगैरह सारी खा ली इन्होंने, अपना आलू चाट भी सारा खत्म कर लिया। तो यार मैंने जुगाड़ ये किया, वो गंदे लोग मुंह लगा के कॉफ पीते हैं, इसलिए मैंने अलग से डाली, मैं बड़ा हाइजीन प्रेफर करता हूं, लगा के पीते ना, तुम तो मुसलमान नहीं है, शिया हो हमें ना लगे है, काफी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, मतलब था यार थूके फेंकते तो लोग, हां बस कर दिया कर, थूके नहीं मैं बर्दाश्त करता, इसलिए मैंने देखो इस बोतल में डाल दिया, तेरे थूके हमारे इधर को मत। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर के बाहर, ये नंगा ड्राइवर, ओए नंगे शर्म नहीं आती, और नंगे यार मतलब किस नंगे को पकड़ा दी गाड़ी, चलो यार पहुंच के घर, अब करते हैं सारी ड्राइव खत्म, बहुत ही लंबी ड्राइव थी, 4-5 घंटे की, मजा आ गया। ओए चिप्स के पैकेट में लेके जा रहा हूँ साथ, ठीक है ना, बहुत ही मजा आया कसम से, न्यूजीलैंड की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप रही है हमारी, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया, बहुत सामान वाम सारा अपना अपना पकड़े, क्योंकि पूरी डिक्की बड़ी हुई थी, तो मैं भी बांध लिया सामान, देख लो चिप्स का पैकेट जो पड़ा हुआ था मैंने पकड़ लिया, आए क्योंकि चिप्स नहीं मैं छोड़ता, और नंगे ने गाड़ी बड़ी अच्छी चलाई है कसम से। तो यार ये मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ, 2 दिन बाद, परेशान हो गए हो गए, जैकेट पहनी हुई है, 2 दिन बाद रंजना लिया करो, और चलो यार मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।